हेलो फ्रेंड्स, मीरा कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का। चिकन मलाई टिक्का ये एक नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर रेसिपी है, जिसके लिए हमें चाहिए ये 250 ग्राम मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके टिश्यू पेपर से ड्राई करके लिया है। ये 2 टेबल स्पून हंकड़ है, ये 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है, ये 2 हरी मिर्चें और कुछ धनिया पत्ती मैंने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है, 1 टीस्पून तेल है ऑयल, और ये 1 टीस्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमें विनेगर लगेगा, 1/4 टीस्पून चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, ये 1/2 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप स्वादानुसार भी ले सकते हैं। आइए पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। ये चिकन का मैरिनेशन का प्रोसेस हम शुरू करते हैं, जिसके लिए हम ये पहले हरी मिर्चें और धनिया पत्ती जो क्रश करके लिए वो डालेंगे। ये नमक है, ये कॉर्नफ्लावर, गरम मसाला, मेरी ब्लैक पेपर पाउडर और चाट मसाला। ये 2 चम्मच हम हंकड़ डालेंगे और 2 चम्मच हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हम सिरका लेंगे, विनेगर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे 1.5-2 घंटे के लिए मैरिनेट करने वाली हूँ, पर ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। लास्ट में ये 1 टीस्पून ऑयल मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। यह हमारा मैरिनेशन अभी हो चुका है, 2.5 घंटे हमने इसे मैरिनेट करके लिया है। इस तरह से स्क्वायर्स में डाल लेंगे। हमारा मैरिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, इसलिए एकदम सॉफ्ट हो गया है चिकन। एक चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर कढ़ाई में डाला है, जिसमें हम ये चिकन के पीसेस डालेंगे। अभी ये हमारे चिकन टिक्का एक साइड से थोड़े पक गए हैं, हम इसे पलट लेते हैं, पलट के दूसरे साइड से पका लेते हैं। और इसके ऊपर 5 मिनट के लिए ढक्कन रखते हैं। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है, स्लो से मीडियम कर दिया है। 5 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन खोल के देखते हैं। और गैस का फ्लेम हम बढ़ा लेते हैं। ये जो चिकन में पानी छोड़ा है, इसे हम ड्राई कर लेंगे। ये हमारे ग्रिल मार्क
अभी ये साइड से भी आ गए हैं, हमें तीसरे साइड को शिफ्ट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बढ़ा लेते हैं। पूरे सभी साइड से पका रहे हैं टिक्का को, इसलिए बार बार उसे फ्लिप कर रहे हैं। अभी ये हमारा मलाई टिक्का बनके तैयार हो चुका है, पर हम इसे गैस ऑफ कर लेते हैं और मैं इसे चारकोल का बारबेक्यू जैसा फ्लेवर देना चाहती हूँ। ये मैंने चारकोल को गरम करने के लिए रखा है, ये चारकोल हमने गरम करके लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन डाल के रखेंगे। इससे चारकोल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर टिक्का में आ जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, हम लोग इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, हमारा टिक्का बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमारा चिकन मलाई टिक्का बनके तैयार हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा बना है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।